गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे होंगे। सो आज आपका हिंदी क्लास का फिफ्थ डे है। टुडे इज आवर फिफ्थ डे ऑफ हिंदी क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, कल जो मुहावरे किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। सो कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले आप उसके लिए अपनी फाइल ओपन करो और अपनी FNB भी ओपन करो। उसके बाद आप लोग अपनी फाइल में देखोगे कि 11 to 20, फिफ्थ डे का वर्क है 11 to 20 मुहावरे, ठीक है। उसके लिए आप अपनी FNB में क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट नहीं करना है। जहाँ आपके 10 मुहावरे फिनिश हुए थे, जहाँ आपका 10th मुहावरा फिनिश हुआ था, उसके आगे ही आपको 11th मुहावरा स्टार्ट करना है। और इसको आप अच्छे से समझ लो, जैसे हमने कल मुहावरे किए थे, आपको समझ तो आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम अब 11th मुहावरा देखते हैं कि 11th मुहावरा क्या है। आगे है लाल पीला होना। मैंने आपको जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि लाल पीला होना का क्या मतलब होता है, गुस्सा होना। क्या मतलब होता है, गुस्सा होना, क्रोधित होना। अपना नया मोबाइल खराब देखकर पिताजी लाल पीले हो गए, ठीक है। इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो टीचर लाल पीला हो गए, ठीक है। और उसने मेरी नोटबुक फाड़ दी तो मैं लाल पीला हो गया, ठीक है। आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि मुहावरे का यूज करना है, उसके अर्थ का यूज नहीं करना है। 12th मुहावरा है हमारा आंख का तारा। आंख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा। मोहित अपने माता पिता की आंखों का तारा है। नेक्स्ट इज टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब जैसे आप कई बार बोलते हो ना, मैडम ये मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, ठीक है। टांग अड़ाना का मतलब होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो उसमें अड़चन डालना। मुझे अपना काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। कान पर जू न रेंगना, ध्यान ना देना। कान पर जू न रेंगना का क्या मतलब है, ध्यान ना देना, मतलब जिसका किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता है। हिमांशी को चाहे कितना भी समझा लो परंतु उसके कान पर जू नहीं रेंगती है। नेक्स्ट इज पेट में चूहे कूदना। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपको इधर बोलते हैं ना, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, बोलते हो ना, हाँ, तो इसमें ये मुहावरा ही है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बहुत भूख लगना। रमा ने आते ही माता से कहा या माँ से कहा कि जल्दी से मुझे खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भीगी बिल्ली बनना मतलब होता है बहुत डर जाना। कक्षा में अध्यापक के आते ही सब बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना का क्या मतलब है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। रमेश परीक्षा के समय इधर उधर घूमकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। 18th इज दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब है पराजित करना। शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। घोड़े बेचकर सोना, कई बार बोलते हैं ना कि ये कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सोते हैं और बहुत गहरी नींद में सोते हैं, तो उसका क्या, कई बार बोलते हैं ना कि अरे वो तो घोड़े बेचकर सोता है, बोलते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही इसका क्या मतलब है, निश्चिंत होना। निश्चिंत होना मतलब कि किसी को कोई चिंता ना होना। परीक्षाएं समाप्त होने पर काव्या घोड़े बेचकर सो रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है, आपके मुहावरे का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसको क्या करना है, आप अपने FNB में अच्छे से लिखोगे और इसको अच्छे से लर्न भी करोगे। थैंक यू।